स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग के एक लेटेस्ट डिवाइस की, जो कि है हमारी सैमसंग की ए सीरीज का A31। जो सैमसंग के फैंस हैं उनको थोड़ा दुख होगा इस फोन को लेके। मैं आपको बताती हूँ इस फोन में हमें क्या क्या मिलता है। फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फटाफट से खोलते हैं इसे। So, ये रहा हमारा डिवाइस। आप देख सकते हैं मेरे पास है इसका व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में देखने में डिवाइस काफी बढ़िया नजर आ रहा है। हम पहले नजर डालते हैं इसकी परफॉर्मेंस में, उसके लिए जल्दी से कर लेते हैं इसको स्विच ऑन। तो डिवाइस को मैंने सेटअप कर लिया है और सबसे पहले अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है हमारा मीडियाटेक का हीलियोस P65 का प्रोसेसर। उसके साथ आपको जो इसके अंदर इंटरफेस मिलता है वो है हमारा सैमसंग वन UI2 और वो बेस्ड है हमारे एंड्रॉयड 10 पे। साथ ही आपको इसके अंदर 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। इस डिवाइस की प्राइस की बात करें तो 22,000 रुपये का ये हमारा डिवाइस है और 22,000 रुपये के हिसाब से आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है P65 का वो एक्चुअल में काफ़ी छोटा मिल रहा है। मतलब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं एक्चुअल में तो हमारा जो सैमसंग का M31 आता है आपको उसके अंदर इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। उसके अंदर हमें मिलता है एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर और दोनों में M31 की परफॉर्मेंस हमारी बढ़िया है। अगर हम एंटूटू स्कोर की भी बात करें तो जो हमारा ये A31 है इसका स्कोर आता है हमारा 1,53,000। आप ये देख सकते हैं स्कोर आपके सामने है। GPU CPU हमारा काफी कम आ रहा है बजट के हिसाब से। मतलब अगर हम M31 के स्कोर की बात करें तो उसका स्कोर भी हमारा इससे काफी अच्छा आता है, मतलब 180 प्लस आता है। तो परफॉर्मेंस में आपको एक्चुअल में डिफरेंस देखने को मिल रहा है सैमसंग के ही इन दो डिवाइसेस में। इसके साथ ही परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो सिक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड आई है वो भी हमारी बजट के हिसाब से काफी कम आई है। मतलब डिवाइस के अंदर एक्चुअल में परफॉर्मेंस आपको जो मिलती है वो काफी कम मिल रही है। जो हमारी ये सैमसंग की M सीरीज होती थी पहले, ये हमारी सिर्फ ऑनलाइन सीरीज होती थी, आपको ऑनलाइन ही ये डिवाइसेस मिलते थे। लेकिन अभी ये आपको ऑफलाइन मिल जाती है, मतलब आप अपने नॉर्मल मार्केट में भी इस डिवाइसेस को आराम से खरीद सकते हैं, जिनके अंदर आपको A31 से अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है कम प्राइस में। इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो 16,000 रुपये के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। अब इसके बाद अगर आगे बात करें डिवाइस की गेमिंग के बारे में तो हमारा जो A31 है इसके अंदर हमें PUBG के जो रिकमेंडेड सेटिंग्स मिलती हैं वो है हमारे HD के हाई ग्राफिक्स पे और इससे आपको सेटिंग्स हाई करने की ऑप्शन नहीं मिलती है। प्रोसेसर जो है हमारा वो एक्चुअल में आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है बजट के हिसाब से। वैसे जल्द मैं इस डिवाइस का गेमिंग रिव्यू भी कर दूंगी, सारी टेस्टिंग कर दूंगी। और एक और मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ, जो कि बहुत लोगों का कमेंट आता है और मुझे काफी लोगों ने कहा कि आप एक ही चैनल पे सारी टेस्टिंग डालें, तो अब मैं आपके लिए एक ही चैनल पे सारी टेस्टिंग आपको मिलेगी हर एक डिवाइस की, इसकी भी चार्जिंग टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, सारी टेस्टिंग। तो आगे बात करते हैं। अब जैसे कि परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसर जो है हमारा वो एक्चुअल में काफी छोटा है। आप नॉर्मली भी अगर डिवाइस को यूज करते हैं, अगर आप इसको अनलॉक भी करके देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि डिवाइस हमारा काफी देर ले रहा है अनलॉक होने में भी। तो इसी से पता चल जाता है कि हमें डिवाइस के अंदर जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो एक्चुअल में कम मिल रही है, छोटी मिल रही है। और अगर हम बात करें इसके अंदर हमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी आप ये देख सकते हैं बढ़िया अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ है, लेकिन वो भी हमारे डिवाइस को काफ़ी स्लोली अनलॉक कर रहा है। बाकी डिवाइसेस के हिसाब से काफ़ी स्लो है, इस बजट के हिसाब से काफ़ी स्लो है। इसके बाद डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले हमें इस डिवाइस का काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हमें मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ इन्फिनिटी यू डिजाइन में। डिस्प्ले आपको बहुत ही ब्राइट लगेगा, अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे आपको, पंची कलर्स मिलेंगे। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है हमारे सैमसंग की तरफ से, जिसके अंदर आपको मूवीज वीडियोस बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इंजॉय कर लेंगे। वैसे डिस्प्ले के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे की साइड जो हमारी चिन है वो काफी थिक है, बाकी ऊपर नीचे बीजल्स हमारे कम है, हेड भी कम है, लेकिन चिन हमारी थोड़ी सी थिक आ रही है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के कैमरा के बारे में। कैमरा की बात करें तो हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप बैक में। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 5 मेगापिक्सल का हमारा मैक्रो शॉट है। और एक्चुअल में मेरे को लगता है जैसे 22,000 रुपये प्राइस है इस डिवाइस का, तो 48 की जगह 64 मेगापिक्सल का हमें कैमरा मिलना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो हमारा जो प्रोसेसर है वो छोटा है तो इमेज प्रोसेसिंग हमें उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले इसके बैक कैमरा से कुछ पिक्स।
मैंने इंडोर आउटडोर दोनों साइड में मैंने पिक्स ली हैं और पिक्स जो है वो हमारी ठीक आई हैं, लेकिन बजट के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। और ना ही अगर हम M31 के साथ इसको कंपेयर करें इसके कैमरा को, तो M31 के अंदर हमें कैमरा इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्स जो है वो ओके है, वाइड एंगल आपको काफ़ी सही मिल जाता है। जो हमारा बुके मोड है उसके अंदर आप बैकग्राउंड ब्लरिंग को चेंज कर सकते हैं पिक लेने के बाद भी। और उसके साथ अगर हम बात करें वीडियोग्राफी के बारे में, तो वीडियोग्राफी में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन इस डिवाइस के अंदर नहीं मिलती है, और HD और Full HD वीडियो रिकॉर्डिंग ही आप इसमें ले सकते हैं। और उसके साथ उसमें भी आपको स्टेबलाइजेशन की कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है। ये वीडियो सैंपल आप देख सकते हैं, मैंने लिया है बैक कैमरा से और बहुत ही ज़्यादा जर्की वीडियो आया है, बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा फोकसिंग भी बहुत ही स्लोली ले रहा है, तो फोकसिंग टाइम भी काफ़ी लग रहा है। एक्चुअल में सब कुछ हमारा बेस होता है प्रोसेसर के ऊपर, जब हमें प्रोसेसर ही छोटा मिला है तो उसी वजह से हमारी इमेज प्रोसेसिंग पे भी फर्क पड़ गया है इसके कैमरा पे, और फोकस लेने में भी टाइम लग रहा है, डिवाइस को अनलॉक करने में भी टाइम लग रहा है, कई चीज़ों में हमारा टाइम लग रहा है जो कि नॉर्मली फास्ट परफॉर्मेंस हमें मिलती है इस प्राइस रेंज में। इसके बाद सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो 20 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिलता है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ पिक्स आई हैं। सेल्फी कैमरा में भी मुझे लगा कि M31 का जो है, जैसे मैंने कंपेयर किया था तो वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा। आप अगर कहेंगे तो मैं जल्द इन दोनों का कंपैरिजन डाल दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नॉर्मल मोड, ब्यूटी मोड और वाइड एंगल सेल्फीज की ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आप अपनी अलग अलग पिक्स ले सकते हैं। इसके बाद सेल्फी कैमरा से अगर हम बात करें वीडियोग्राफी की, तो ये आप देख सकते हैं सैम्पल हमारा, इसके अंदर यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन स्किन टोन को भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब फेस थोड़ा रेडिश की साइड है, आर्म जो है वो वाइटिश वाइट आउट जा रही है, और उसके बाद फेस एकदम से फिर येलो हो गया, मतलब स्किन टोन को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसके कैमरा में, सेल्फी कैमरा में भी। इसके बाद डिवाइस की अगर हम डिज़ाइन की बात करें, तो डिज़ाइन मुझे इस डिवाइस का काफ़ी सही लगा, मतलब 5000 mAh की हमें इसके अंदर बड़ी बैटरी मिलती है, उसके बाद भी डिवाइस जो है वो लाइट वेट है और स्लिम डिवाइस है, मतलब आप इसको इजीली हाथ से होल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए भी यूज़ करना हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ डिवाइस के अंदर वाइट कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जो इसका हमारा प्रिज्म डिज़ाइन है ऊपर आप देख सकते हैं, जो रेनबो शेड आता है, जो हमारे A50 में भी हमें देखने को मिला था, 50S में भी, A70 में भी देखने को मिला था, वही सेम चीज़ है ये, तो वाइट कलर में ज़्यादा उभर के आती है, डिवाइस देखने में अच्छा नज़र आता है। वैसे डिवाइस के अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, हाथ में होल्ड करने में आपको बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगेगा, सैमसंग कहता है कि हमें ये ग्लास्टिक बॉडी है। उसके बाद लेकिन एक फ़ायदा आपका है, अगर आप इस डिवाइस का ब्लैक कलर लेते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी। एक्चुअल में तो सैमसंग का कोई भी डिवाइस लेते हैं आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से आपको ब्लैक कलर के लिए जाना चाहिए। अगर आपने सैमसंग का ये वाला लिया हो A31, या फिर आपने सैमसंग का M31 लिया हो, या फिर ये वाला जो हमारा डिवाइस है सैमसंग का S20+, सबके अंदर हमें एक्चुअल में एक ही टाइप का डिज़ाइन मिलता है बैक में, तो दूर से देखने में किसी को पता चलेगा ही नहीं कि आपने एक्चुअल में कौन सा फ़ोन पकड़ा हुआ है। आपने सैमसंग का सस्ता फ़ोन पकड़ा है, महंगा फ़ोन पकड़ा है, मतलब M31 से लेके S20+ तक सारे फोन्स का डिज़ाइन एक जैसा है, चाहे A50 की बात करो, 70 की बात करो, 71 की, 70S की, किसी की भी बात कर लो, सबकी लुक एक जैसी है। ब्लैक कलर में आपने हाथ में होल्ड करा हुआ होगा फ़ोन, सामने आपके किसी को पता ही नहीं चल पाएगा आपने कौन सा सैमसंग का फ़ोन पकड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। और इसके अलावा डिवाइस का डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइट वेट डिवाइस है। और उसके साथ अगर हम बॉक्स कंटेंट पर नज़र डालें, 5000 mAh की बैटरी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिलता है 15W का फास्ट चार्जर, चार्जिंग टेस्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी Type-C to USB केबल है, और उसके साथ यहाँ पे आते हैं हमारे ईयरफोन्स। ईयरफोन्स मुझे अच्छे नहीं लगे, एक्चुअल में थोड़ी अच्छी क्वालिटी के दिए जा सकते थे, प्लास्टिक ईयरफोन्स हैं, इससे अच्छा ना ही देते तो बेटर था, ये वाले नहीं देने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी इजेक्शन पिन, उसके साथ ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और साथ में ये है हमारा बैक केस, थोड़ा सा डार्क की साइड में है, पूरा प्योर वाइट नहीं है, तो एक काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट देगा आपके फ़ोन को।
सो गाइस ये था हमारा डिवाइस सैमसंग का A31 जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जल्द हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे सारी, और तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा और 22,000 रुपए के प्राइस के हिसाब से आपको क्या लगता है फोन हमारा कैसा है, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा कौन सा नहीं लगा कमेंट जरूर करिएगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।